राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। और आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब जो दुकान का सामान वगैरह है वो लेने जा रहे हैं भाई। अब हम जाने के लिए हो गए रेडी और अब हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। चलो भाइयों बैठो। तो यहाँ पे हम आ गए दुकान पे और ये चल रही है हमारी शॉपिंग, छोटी मोटी शॉपिंग चल रही है भाई। और बोलो, दो पाइनएप्पल लोगे? और बोलो यार, सामान लेने तो आ गए बट मेरे मैनेजर ने ना मेरी बुरी हालत कर रखी है। अब मैं क्या ही बताऊँ अपने मैनेजर के बारे में, इसलिए मैंने इससे अपने सारे कार्ड वार्ड छीन लिए हैं, बस गूगल पे दे रखा है। ये ले ले दारू वारू की बोतल। यार मैं इससे कह रहा हूँ पिज्जा खवा दे, पिज्जा खवा दे। अब ये कह रहा ओपनिंग पे ही खवाऊंगा, ओपनिंग होगी दुकान की तो तभी खाएगा भाई। तो भाई बने रहिए, देखते हैं दुकान पे कैसे पिज्जा बनता है अपना आज ओपनिंग पे। अभी सामान भी नहीं आया कुछ इसने, मतलब वहाँ अमेजोन से ऑर्डर कर रखे हैं स्टिकर वगैरह दुकान के लिए, कुछ फ्लैक्स वगैरह बनवा रखे हैं, वो आएंगे, टाइम लगेगा। और मुझे निकलना है यहाँ से कल मैं जाऊंगा घर पे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी है। यार ब्लॉग डिलीट हो गया, दिमाग ख़राब हो रहा है उससे। यार ऊट ऐसे भीड़ भी था ना, यार सट्टे मारता है। बहुत कॉस्टली सामान आता है पिज्जा, जो क्वांटिटी का आइटम होता है, छोटे छोटे आइटमों के बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान आता है। ऑलिव ऑयल, जेली पिनो, कुछ हम अपने खाने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। खाने का आइटम किस साइड में है भाई? इधर यहाँ से हमने ले लिया है ओरियो। शॉपिंग भी होगी सारी, अब हम जा रहे हैं दुकान को या कुछ और काम के लिए। शॉपिंग वगैरह सारी कर ली, अब भूख लग रही है हल्की फुल्की, तो ओरियो खा लेते हैं। तो मिलते हैं आपको ओरियो ब्रेक के बाद। ये इतने रुपए खर्च तो कर रहा है, कमा लेगा मनीष तू इतने सैलरी में? मतलब इतना घटिया आदमी है, वर्करों की सैलरी काटने को तैयार हो रहा है भाई। जब मैं एडवांस में पैसा दे सकता हूँ तो एडवांस में काट नहीं सकता हूँ? हैं, एक बात बताओ, इसका अभी तक का 3 दिन रहा है, 3 दिन का खर्चा मैंने इसका 3300 रुपये उठ लिया, 3 दिन का भाई। उठना ही पड़ेगा, ओपनिंग के पैसे नहीं दे रहे 1 रुपया भी मुझे, ठीक है। 3300 3300, और जो बंदा रखा ना उसे 4 एक गूगल पे करवाए, टिकट के लग लगे 1500, पता नहीं उसने 800 रुपये किस चीज़ के मांगे, डेली खाने पीने के लगे। अब मैं उसको 1 रुपये देने वाला। 16 किराया है, ठीक है, आज का 14 का माल आया है, ठीक है, 3500 तक की मेरी बिजली है। इस महीने जितना एक्सपेंसिव निकाल के बच जाता है ना उसका 3% इनको। देख लो भाई प्रूफ आप लोगों, ठीक है। यहाँ पे भाई सारा सामान लिया जा रहा है धीरे एक एक करके, क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बढ़िया चीज़ यूज़ कर रहा है बेचारा। पता नहीं सेल कैसी उठेगी कैसी नहीं उठेगी तो बात की है, लेकिन अभी पूरे ठोक के पैसे लगाए जा रहे हैं इसके। ठीक है भैया, सुप्रीम है ना, एक पैकेट से कर दीजिए। अरे नहीं वो मंदा मारा वाला, कोई बात नहीं यार, कोई मैं मालिक के पास बहुत पैसा है मालिक। 2 दिन में वो चिड़ जाएगा, फिर उसमें चिड़ेगा नहीं, मीन इन द सेंस वो ऐसे जाएगा खुल के। अच्छा, उससे बेटर आप ये चाहते हो आप ये बार बार धुले और बार बार यूज हुए, रिसाइकल हो गए, ठीक है। आपने लिख दिया, और क्या चाहिए बताओ? लाइटर तो नहीं चाहिए? लाइटर नहीं, लाइटर क्या पता जरूरत हो, बीड़ी वगैरह कुछ। इट्स ओरियो टाइम, ओरियो इन्हें करने दो काम, हम अपना ओरियो के मजे लेते हैं। अगर बेटर मिल जाए इसमें 150 मिल जाएगा भाई। बहुत मेहनत लग रही है इस काम में, बहुत ज़्यादा इसी काम में लग रही है। इतनी मेरे को कहीं मेहनत नहीं लगी इतनी ओपनिंग करवाने पे भी, जितनी आज यहाँ लग रही है। ये बंदा काम करता है
कोई बात नहीं है हमारे पास जी ऑलरेडी। ये खाली चार आइटम आ रखे हैं, ये खाली चार आइटम, और ये आइटम इतने कॉस्टली बढ़ गए, मतलब 1500 रुपए के हैं ये चार आइटम। सोचो इसमें एक चाकू वगैरह है, पिज्जा की है, पिज्जा की छन्नी है, हमारी सीक्रेट जगह है, इधर हम सीक्रेट जगह शॉपिंग करने आ रखे हैं। किसी को नहीं पता ये हमारे बेस है, इस बेस का बेस किसी को नहीं पता, ये बेस कहाँ मिलते हैं। हाँ इसको नहीं पता, लेते सब लोग है पर कोई किसी को नहीं पता था कहाँ से कौन लेता है। बस ये हम घर में खुद बनाते हैं, मुझसे भी पूछेगा ना श्यामपुर में, मैं ही बताऊंगा, घर में हम ही खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ पे बेकरी है इनके पास, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है बेकरी में, आपको पता है कितने बढ़िया बढ़िया आइटम मिलते हैं। तो दुकान में वो सारा सामान धरवा दिया हमने, अब आए यहाँ पे बेकरी में। यहाँ से बाहर निकलते ही कुछ मनीष के दोस्त दिख रहे हैं, और ये मनीष के दोस्त भूखे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए जाओ जाओ भाई जाओ। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, को बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते रहेंगे आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो हम यहाँ पे आगे पिज्जा का फलटा लेने के लिए फलटा, और अब थोड़ी सी यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ले रहे हैं कॉफ़ी। मुझे कल सुबह भाई पलवल के लिए निकलना है। आपको फिर उसके बाद पलवल का ब्लॉग दिखाऊँगा, एक दोस्त की दुकान पर जाना है मुझे, अगर मैं भी जा पाया तो वहाँ पे जाऊँगा उसकी दुकान पे। वो कह रहा था यार कुछ कंपटीशन वगैरह क्या रखते हैं वो आजकल, कि इतने रुपये एक पिज़्ज़ा खाओ एक मिनट में तो 1100 रुपये मिलेंगे, कुछ ऐसे ही कुछ है। तो फिर वहाँ पे जाना है, तो बने रहिए ब्लॉग में फलटे वाड़े में, और बाकी पिज़्ज़ा खाएंगे अब आपको जगह। चल भाई बेस्ट बिफोर 8 दिख रहा है ठीक है, बट इसमें ये नहीं लिख रहा कि कब हका है। अंकल जी बताओ यार, ये भी आपकी तरह छुपा रिश्ते में, एज नहीं बता रहा अपनी स्टार्टिंग की है। भाई भी हंस रहा है। भाई फर्स्ट बाइट फर्स्ट पिज्जा की लेते हुए हम, जबरदस्त। तो मिलता आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा बहुत बढ़िया बना है, शानदार एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज़ भी खुल जाएगी नेक्स्ट वीडियो तक, भगवान ने चाहे तो आवाज़ बैठी बढ़िया है।